नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। अभी हम हैं कमाल चौक में, जहां पे आज के गाइडलाइंस के हिसाब से 4 बजे तक ही शॉप्स चालू रहने की अनुमति प्रशासन ने दे दी है। लेकिन अभी छोटे जो व्यापारी है, छोटे बड़े जो व्यापारी है, उनको कितनी तकलीफ हो रही है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे हमारे तत्काल न्यूज चैनल। आइए जानते हैं। आपका नाम बताइए। फैजान खान। कितने सालों से है आपकी दुकान है? हम यहाँ 4 साल से। तो अभी प्रशासन की जो गाइडलाइन आई है उसके बारे में क्या कहना है आपको? 4 बजे तक की शॉप चालू रहने वाली है। अभी तो धंधे पानी वैसे भी नहीं है, पर मार्केट का भी वो चल रहा है, पर काम धंधे डाउन चल रहे अभी। अभी 7 बजे तक के तो थोड़ा ठीक था, थोड़ा भी खर्चे पानी निकल जा रहा था। अभी उसके भी वो भी आया, मतलब खर्चे पानी भी निकल नहीं पा रहे, भी बहुत परेशानी चल रही है, सब कर्जे में चल रहे, भी माल भरने को पैसे नहीं है। तो आपका मतलब कुछ कर्जा वर्जा लिए क्या आपने? हाँ, कर्जा भी है ना। तो ये 7 बजे तक मतलब थोड़ा बहुत चल जाता था, अभी 4 बजे तक है, तो फिर आपको पुराएंगा कि यहाँ पे शॉप लगा? नहीं ना, कुछ भी नहीं पुरा रहा ना। 7 बजे तक के घर वर का खर्चा निकल जाता थोड़ा बहुत, अभी तो बहुत परेशानी में आ गए 4 बजे के। तो कर्जा कितना है? आपके घर में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं हम लोग। अच्छा। ग्रैंड फादर पकड़ के 6 लोग। कहाँ पे रहते हैं आप? गांधी बाग से यहाँ पे आते हैं? हाँ, यहाँ पर आते हैं। गांधी बाग में भी तो शॉप लगा सकते हैं आप, लेकिन आपने कमाल चौक ही क्यों चूज किया? तो मार्केट है ना, करके तो यहाँ पर आए ना। गांधी बाग का भी तो मार्केट है, वहाँ जगह ही नहीं मिली हमारे को करके। अच्छा, तो यहाँ पे जगह मिल गई है। किसने दिया आपको जगह? ये हमारे भाई ने दिला के दिया। क्या नाम है आपके भाई? मेराज खान। अच्छा, आपका नाम बताइए। अजहर अली। आप यही शॉप देखो? हाँ, ये शॉप। अच्छा, कितने सालों से आपकी शॉप? यहाँ 22 साल से। 22 साल में बहुत लंबे टाइम से है। तो अभी चल पा रहा है क्या आपका शॉप? हाँ, चल रहा है, मगर वो लॉकडाउन के साथ गिराई की नहीं ना, कम चल रहा है। अच्छा, दिन में कितने ग्राहक आ जाते हैं? बस 8-10 ग्राहक हो जाए थोड़े। तो अभी तो 4 बजे तक का बोला है प्रशासन ने, उसका मतलब क्या राय देनी है आपको? नहीं, हमारे उधर जो 8 बजे का वो टाइमिंग सही है हमारे लिए। 8 बजे तक का? 8 बजे तक में आप सेटिस्फाइड है? हाँ, कि पूरा 10 बजे तक पहले जैसा चाहिए? तो वैसे भी जाए, वो भी सही है, अभी चल जाएंगे। अभी जो कोरोना डेल्टा है उसके बारे में क्या राय रखते हैं आप? अब इस पर क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब जो गवर्नमेंट के साथ साथ क्या है इसमें, उसको समझ नहीं आ रही हमारे को। इसमें क्या हो रहा है, गरीबों की ही मरण हो जा रही है। तो क्या गवर्नमेंट साजिश कर रही है कि मतलब छोटे बड़े दुकान वाले जो है उनको नहीं लगाने देना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, घर में कितने लोग हैं आपके? हमारा 12 लोग है। 12 लोग? फिर खाना पीना मतलब छोटे से शॉप में हो जाता है? हाँ, सब एक ही में हमारा। कमाने वाले आप ही हैं? नहीं, दो हैं, छोटा भाई भी हमारा। ये आपके छोटे भाई हैं? आपका नाम बताइए। ताहिर खान। कब से चल रही है आपकी दुकान ये? यहाँ पर 10-8 साल हो गए मैडम। अच्छा, तो अभी जो नई गाइडलाइन आई है 4 बजे तक, उसके बारे में क्या कहना है आपका? मैडम देखिए कि अभी जो लॉकडाउन है, बीमारी के इससे जो लगाया जा रहा है, तब हमारे हिसाब से इसमें जो दुकानदार हम लोग जो है, हमारे यानी कि धंधे नहीं हो रहे हैं। अच्छा। और कस्टमर जो है यानी उनको बराबर टाइमिंग पता नहीं चल रहा है, कभी 8 बजे का, कभी 5 बजे का। पेपर में, टेलीविजन में मैडम ये अचानक लगा दे रहे हैं ना। अब भैया पहले जनता को बताया जाए 4 दिन पहले, 5 दिन पहले कि लॉकडाउन हम इतने बजे का लगाने वाले हैं। खरीदने वाले तो कभी भी आ जाते हैं। खरीदार कभी, हाँ वही मसला वही है, खरीदार कभी भी आ जा रहे हैं। बंद टाइमिंग पता रहता है, 4 बजे तक के पूरे शॉप्स ओपन रहेंगे, तो वो 4 बजे के पहले ही आ जाते हैं। हाँ, 4 बजे के पहले ही आ जाते हैं मैडम। लेकिन ये सरकार का काम है ना मैडम, ये कि हमारी दुकान जो है एक टाइमिंग, परमानेंट टाइमिंग बना दे, उसके बाद में फिर दुकान यानी कि जो अब 4 बजे जैसी टाइमिंग दी है अभी इन्होंने, उसके बाद में टाइमिंग जो है यानी कि 4 बजे का है, तो ये 6 बजे का टाइमिंग परमानेंट कर दे, यानी पूरे यहाँ पर पूरे दुकानदारों के लिए डेली के लिए, ऐसे बीमारी उमारी के लिए परमानेंट टाइमिंग कर दे। अभी ये कोरोना के बाद डेल्टा आया है, तो उसके बारे में क्या कहना है? उसके बारे में तो बहुत, उसके बारे में पता ही ना मैडम, क्या बोलेंगे उसके बारे में? नहीं तो मतलब उसके बारे में क्या राय है आपकी, सच में है कि नहीं है कि? और मैडम देखो, बीमारी है, नहीं बोल नहीं सकते। तो आप तो प्रिकॉशन नहीं ले रहे, आपने मास्क नहीं पहना? कितना भी नहीं, यहाँ पर धूप 50 डिग्री धूप में खड़े है, कितना भी नहीं, उसको पूरा पसीने से नहा लेते, सुबह से खड़े रहते हैं, पसीने से नहा लेते, कितना भी नहीं मैडम। आपके कारोबार पर कुछ असर हुआ है? हाँ हुआ है ना। क्या हुआ? बहुत
बहुत असर हुआ है। कितना असर, क्या हुआ है, कैसे कर रहे हैं आप, आपका बिजनेस नहीं हो पा रहा है उसके बावजूद? मैडम ये लॉकडाउन के चक्कर में नहीं क्या गिराई की कुछ भी नहीं हो रही है। कभी NMC वाले, कभी पुलिस वाले आके परेशान करते, दुकान उठा लो बंद कर दो, कभी भी आ जाते हैं। उसके चक्कर में क्या है, जो कस्टमर खड़ा हुआ है दुकान पे वो भी चले जाता है, वो रुकता ही नहीं है। एक पुलिस वाले को डर के चक्कर में वो भी चले जाता है। तो वही हमारा ये कहना है कि मैडम हमारे को सुकून से धंधा करने की दो, हमारे को बस और कुछ नहीं। गवर्नमेंट से और कुछ कहना? गवर्नमेंट से क्या कहेंगे, गवर्नमेंट का काम है कि आम जनता का ख्याल रखे और कुछ नहीं। तो ख्याल मतलब रख पा रही है क्या? नहीं रख रही ना। कैसे रखेगी मैडम? वो हमारे को एक टाइमिंग बनाते हैं, और हमारे को NMC वाले, पुलिस वाले जो सब आते हैं, ये लोग भी परेशान ना करें हमारे, हम लोग को गाइड। खुलेआम सब चीज़ें करनी है? हाँ खुलेआम, पहले जैसा खुलेआम करने का बस और कुछ नहीं। तीन चार बार हो चुका है, और तीन चार बार हमारा लाख लाख रुपए का माल अंदर हुआ है, पैसे दे के चालान बना के हमने लेकर आए तीन चार बार। पुराता नहीं होगा ना चालान दे के? हाँ नहीं पुराता ना मैडम, जितना कमाना उतना तो उन लोग को दे देते ना हम लोग। आपके फैमिली में कितने लोग हैं? हमारी फैमिली में चार जन। कमाने वाले आपको क्यों? कमाने वाला हमें और हमारे भाई है। हमारे हिसाब से तकरीबन 8 बजे का टाइमिंग रहना चाहिए। 8 बजे तक क्या जी? जी बिल्कुल 8 बजे का टाइमिंग गवर्नमेंट ने परमानेंट कर देना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि बीमारी रहे, 8 बजे का टाइमिंग परमानेंट कर देना चाहिए। तो जैसे कि आपने देखा जो आम दुकान वाले हैं उनको 4 बजे तक का जो टाइमिंग दिया हुआ है वो सफिशिएंट नहीं है उनके लिए, वो चाहते हैं कि कम से कम 8 बजे तक उनको सहूलियत दी जाए। तो ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए तत्काल न्यूज़ लाइव।